स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 5th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द दशहरा फेस्टिवल। दशहरा फेस्टिवल हम सबका फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि उसी सीजन में दीपावली आती है और दिवाली सभी बच्चों का फेवरेट फेस्टिवल होता है ना। चलिए अब जो है हम चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर, और आपकी जो दिवाली की यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। और अभी दिवाली आने भी वाली है, सो आपको जो है चैप्टर को पढ़ के बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट, यानी कि आप कौन कौन से फेस्टिवल्स जो है उनको सेलिब्रेट करते हो। तो आप कह दोगे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे, जैसे कि होली है, दिवाली है, दशहरा है, और इसी तरह से ईद है, और बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स हैं जिनको हम जो है इंजॉय करते हैं। रक्षाबंधन है, ठीक है, क्रिसमस है, तो ऐसे बहुत सारे जो है फेस्टिवल्स हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। एविल का मतलब होता है कि बुराई, ठीक है, गुड मतलब अच्छाई। कि किस फेस्टिवल को, किस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है या बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है? तो वो है दशहरा फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज एंड पुतलास। अब आप कहेंगे एफिजीज क्या होता है? तो एफिजीज और पुतला जो है एक ही चीज़ होती है, ठीक है। एफिजीज का हिंदी मीनिंग पुतला, ठीक है। कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिस पर पुतले जलाए जाते हैं? तो आप कह देंगे बिल्कुल, दशहरा एक ऐसा फेस्टिवल है जिस पर, फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, ठीक है, दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जिस पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं या एफिजीज जलाए जाते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स रीड वाई वी सेलिब्रेट दशहरा। चलिए पढ़ते हैं कि हम जो है दशहरा जो है उसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसे क्यों मनाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। In India, many festivals, भारत के अंदर many festivals यानी कि बहुत सारे त्यौहार हैं, are celebrated, जो कि मनाए जाते हैं, with great zeal, zeal मतलब उत्साह, यानी कि भारत के अंदर अनेकों ऐसे त्यौहार हैं जिनको बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, ठीक है। दशहरा इज़ वन ऑफ देम, और दशहरा जो है उन्हीं में से एक है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, इसे जो है क्या कहा जाता है, विजयदशमी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस दिन जो है ये दशमी के दिन आता है, और इसी के साथ साथ राम जी की विजय हुई थी, गॉड राम की यहाँ पर विजय हुई थी, जिस वजह से इसको क्या बोला जाता है, विजयदशमी भी बोला जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, यानी कि हिंदुओं के कैलेंडर के अनुसार दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ आश्विन मंथ शुक्ल पक्षा, यानी कि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दसवीं, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दसवीं के दिन जो है विजयदशमी या दशहरा होता है, इंडियन कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। ऑन दिस डे, इस दिन क्या हुआ था, लॉर्ड राम, लॉर्ड यानी कि भगवान, ठीक है, भगवान राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण, यानी कि रावण के ऊपर जो है विक्ट्री यानी कि अपनी जो है जीत हासिल की थी, ठीक है, यानी कि रावण को पराजित किया था। द किंग ऑफ लंका, जो कि कौन था, जो है लंका का राजा हुआ करता था, कौन, रावण, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा कि इस दिन क्या हुआ था, राम ने विजय प्राप्त करी थी किस पर, रावण पर, और रावण कौन था, जो कि लंका का राजा था, ठीक है। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता, कि रावण ने क्या किया था, क्यों युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, क्योंकि रावण ने सीता को किडनैप कर लिया था, राम की वाइफ सीता को किडनैप कर लिया था, एंड टुक हर टू लंका, और उसे लंका में ले गया था। दिस लेड टू ए फियर्स बैटल, फियर्स का मतलब होता है भीषण, बैटल का मतलब संघर्ष, लड़ाई, युद्ध, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसी वजह से जो है इनके बीच में क्या हुआ था, भीषण संघर्ष या भीषण युद्ध हुआ था, यानी कि बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, बिटवीन राम एंड रावण, विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी, जो कि ख़त्म हुआ किसके साथ, रावण और उसकी सेना की पराजय के साथ, ठीक है। डिफीट यानी कि हार, किसकी हार, डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी, ठीक है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, और हम जो है राम की इसी विजय के सम्मान में क्या बनाते हैं, दशहरा जो है मनाते हैं हर साल।
इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रीज फ्रॉम अश्विन शुक्ला प्रतिपदा टू दशमी। यानी कि ये क्या कहते हैं कि भारत के कई हिस्सों के अंदर जो है रामलीला का आयोजन किया जाता है, और रामलीला कब से कब तक आयोजित की जाती है, नवरात्रीज नवरात्रे जो होते हैं उस समय अश्विन शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के दशमी यानी कि दशहरे के दिन तक जो है क्या चलती है, रामलीला चलती है। अब रामलीला क्या होती है, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। ड्रामा का मतलब नाटक। रामलीला के अंदर नाटकीय रूप में यानी नाटक करके राम की जो जीवन की स्टोरी होती है उसे जो है दिखाया जाता है नाटक करके, ठीक है, यही तो होता है, ठीक है। एवरी डे मैनी सीन्स, हर एक दिन जो है अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं। सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एस, यानी कि राम की जिंदगी के अलग अलग सीन जो है प्रत्येक दिन जो है नाटकीय रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। सच एस, जैसे कि नारदमो का सीन होता है, राम जन्म का सीन होता है, राम विवाह का सीन होता है, राम वनवास का सीन होता है, ताड़का वध का सीन होता है, पंचवटी सीन होता है, सीता हरण होता है, हनुमान मिलन का सीन होता है, बर्निंग ऑफ लंका यानी कि लंका के जलने का सीन होता है, सेतु निर्माण का भी सीन होता है, एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। यानी कि इनेक्टेड का मतलब होता है अभिनय करना, अभिनय मतलब कोई नाटक करना, ठीक है, नाटक करके प्रस्तुत करना, ठीक है, अभिनय नाटक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह के कई सीन जो है हर दिन जो है नाटकीय रूप में अभिनीत करके जो है लोगों को दिखाए जाते हैं, ठीक है। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। और हनुमान का जो गेटअप होता है, हनुमान की जो वेशभूषा होती है, जो उसका पहनावा होती है, स्पेशली जो पूंछ होती है ना, वो सभी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। स्पेशली बच्चों का फेवरेट होता है हनुमान, ठीक है, तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है, रामलीला का। ऑन द 10th डे, और 10वें दिन क्या होता है, लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो पुतले हैं वो किसके, रावण के, हिज सन मेघनाथ, उसके बेटे मेघनाथ के, एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण, और उसके भाई कुंभकर्ण के, आर इरेक्टेड। अब यहाँ पर देखिएगा दो शब्द आए हैं, पीछे पीछे एक शब्द आया था इनेक्टेड, इनेक्टेड का मतलब होता है अभिनीत करना, नाटक करके प्रस्तुत करना, और यहाँ पे एक शब्द आया इरेक्टेड, तो इरेक्टेड का मतलब होता है खड़े करना किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को रस्सियाँ वगैरह बांध करके खड़े करना, ठीक है। तो पुतले रस्सियाँ वगैरह बांध करके ही तो खड़े किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या होते हैं, कागज के पटाखों के बने होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें लकड़ी वगैरह भी यूज़ होती है, तो इन चीज़ों से जो बना होता है तो उसको इरेक्ट करना पड़ता है, इरेक्टेड यानी कि खड़ा करना पड़ता है, ठीक है। इरेक्टेड ऑन ए बिग ग्राउंड, यानी कि बड़े से ग्राउंड पर इनके जो है पुतले खड़े किए जाते हैं। दीज एफिजीज आर स्टफ्ड, स्टफ्ड का मतलब होता है उसके अंदर कुछ ठूसा हुआ होता है। इन पुतलों के अंदर क्या ठूसा हुआ होता है, तो आपको पता है कि दीज एफिजीज आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स, यानी कि छोटे छोटे जो पटाखे होते हैं वो जो है इसके अंदर ठूसे जाते हैं। इन द इवनिंग, और जैसे ही शाम होती है, पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स, और जो है सारे के सारे लोग जो है वो रावण दहन को देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठे होते हैं शाम के टाइम में, एंड फायरवर्क्स यानी कि जो आतिशबाजियाँ होती हैं उनको देखने के लिए जो है वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि एक खूबसूरत सा नज़ारा होता है, ठीक है। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, यानी कि ये क्या कहता है कि इस दिन पर फेयर्स यानी कि मेले, ठीक है, जब भी रावण दहन आप देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके आसपास जो है छोटे मोटे मेले लगाए जाते हैं जहाँ से आप खिलौने खरीद करके लाते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है मांगलिक, कोई मंगल कार्य, ठीक है, कोई मांगलिक, ठीक है, अच्छा, जिसको अच्छा मानते हैं, ठीक है, जैसे त्यौहार है तो उस मांगलिक होते हैं, शादी विवाह होते हैं तो वो मांगलिक होते हैं, ठीक है, मंगल कार्य जिनको कहा जाता है, तो ये एक मांगलिक अवसर होता है, और इस ओकेजन मतलब अवसर, और ऑस्पिशियस यानी कि मांगलिक, ठीक है, मांगलिक अवसर पर यानी कि इस मांगलिक अवसर पर अनेक जगह पर क्या लगते हैं, मेले लगते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्फ्स इन मैनी वेज, और बच्चे इनका आनंद अलग अलग तरीके से लेते हैं, कोई खा करके लेता है, कोई खिलौने खरीद करके लेता है, ठीक है। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस करेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क, और वो जो है इस दिन कोई तो बच्चा हनुमान बना होता है, कोई राम बना होता है, और कोई राक्षस भी बना हुआ आपने देखा होगा, और किन किन चीज़ों का वो यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हैंडमेड पेपर
आर्म्स, आर्म्स यानी कि हथियार, ठीक है। तो वो कागज़ के बने या लकड़ी के बने हथियारों का यूज़ करके, ठीक है। और मुखौटे जो होते हैं कागज़ से बने या किस चीज़ से बने जो मुखौटे होते हैं उनको लगा करके वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं और बच्चे इंजॉय करते हैं। और डेफिनेटली आप भी कभी राम, हनुमान और राक्षस बन के जो है बहुत खुश हुए होंगे, आपने भी जो है ऐसे फेयर्स में जो है इस तरह से हिस्सा लिया होगा, ठीक है, अदरवाइज बच्चों को देखा होगा, ठीक है। चलिए, एट सनसेट, जैसे ही सूर्यास्त होता है, जैसे ही सूर्यास्त होता है, बिल्कुल आपको वो दिन याद आ रहा होगा जब आप रावण दहन देखने गए थे, है ना, उसी दिन ऐसा ही तो होता है कुछ, ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी रात होने लगती है, सनसेट होने लगता है, राम एंड लक्ष्मण कम इन ए चैरियट। चैरियट का मतलब क्या होता है, रथ, ठीक है, कि रथ के अंदर आते हैं। एट सनसेट, जैसे सूर्यास्त होता है, राम एंड लक्ष्मण कम इन द चैरियट विद वानर सेना, यानी कि रथ में वानर सेना के साथ आते हैं। राम शूट्स एरो एट द एफिजीज, यानी कि राम जो है वो एफिजीज की तरफ तीर चलाता है, ठीक है। द एफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशिस, ठीक है। ऐश का मतलब क्या होता है, राख, ठीक है, एशेज मतलब राख में बदल जाते हैं, यानी कि जो पुतले हैं वो आग पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे जलने लगते हैं और राख में बदलने लगते हैं। फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी एंड क्रैकर्स यानी कि पटाखे एक्सप्लोर इन द एयर, यानी कि हवा के अंदर फूटने लगते हैं। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ क्षेत्र के जो लोग हैं, गो टू ग्रीट ईच अदर। ग्रीट का मतलब होता है एक दूसरे का अभिनंदन करना, एक दूसरे का आदर सम्मान करना, एक दूसरे के साथ मिलना, तो ग्रीट भी करते हैं एक दूसरे को उस दिन जो एक दूसरे के घर पर खाना बुलाया जाता है, डिनर के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी कि जो दशहरा है वो सिंबल है, प्रतीक है विक्ट्री का, यानी कि विजय का। किसकी विजय, अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है दशहरा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो देखिए इतना मज़ेदार सा चैप्टर था, बिल्कुल आपको दशहरा फेस्टिवल याद आ गया, है ना। चलिए अब हम इसके जो ग्लोसरी है यानी कि कुछ एग्जाम जो वर्ड मीनिंग्स है उनकी तरफ ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आया था झील, झील का मतलब होता है एंथ्यूजियज्म यानी कि उत्साह, ठीक है। उसके बाद है किडनैप, किडनैप का मतलब सीता का अपहरण करके ले गया था, सीता को किडनैप करके ले गया था, तो एक्चुअल में किडनैप का मतलब क्या होता है, टू टेक समवन अवे बाय फोर्स इलीगली, यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी को जो है धक्के से इधर उधर लेकर के जाना, ठीक है, फोर्स से, ठीक है। उसके बाद है ऑनर, ऑनर का मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट या एडमायरेशन, यानी कि सम्मान और आदर के साथ, ठीक है। चलिए उसके बाद है, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे जो है वर्ड्स यहाँ पर आए हैं जो अच्छे अच्छे हैं। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विक्ट्री का मतलब होता है जीत या विजय, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, एन ओकेजन व्हेन यू विनर, सॉरी व्हेन यू विन ए वॉर, एक ऐसा ओकेजन, एक ऐसा जो है आप कह सकते हो अवसर, ठीक है, एक ऐसा अवसर, When you win, जब आप जीतते हो ए वॉर, कोई युद्ध जीतते हो या फिर कोई गेम जीतते हो या फिर कोई कंपटीशन जीतते हो या फिर कोई इलेक्शन जीतते हो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो विक्ट्री का मतलब सिंपल सी बात है कि जीत या विजय होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना, टू अरेंज फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए अरेंज करना, ठीक है। इनेक्ट का मतलब क्या है, अभिनीत करना, टू परफॉर्म ए प्ले और एक्ट और एक्ट ए पार्ट इन ए प्ले, यानी कि कोई प्ले जो है, कोई प्ले जो है, यानी कि कोई एक तरह से आप कह सकते हो कि कोई नाटक जो है, प्ले का मतलब नाटक है, यहाँ पर किसी नाटक को परफॉर्म करना या फिर किसी नाटक के एक हिस्से को परफॉर्म करना, वो क्या कहलाता है, इनेक्ट कहलाता है, अभिनय कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है गेटअप, गेटअप का मतलब होता है पहनावा, ए सेट ऑफ क्लोथ्स स्पेशली स्ट्रेंज और अनयूजुअल वंस, यानी कि अलग तरह के जो होते हैं उनके गेटअप, उनको जो है गेटअप बोला जाता है, ठीक है। हमारा गेटअप तो क्या होता है, सिर्फ कपड़े होते हैं, लेकिन हनुमान जी का गेटअप एक स्पेशल गेटअप है, ठीक है। चलिए स्टफ़, स्टफ़ का मतलब होता है ठूसना, टू फिल समथिंग टाइटली, किसी चीज़ के अंदर कुछ ठूसना, ठीक है। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स का मतलब आतिशबाजी और पटाखे होते हैं, हमें पता है। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है खड़े करना, ठीक है, टू बिल्ड ए बिल्डिंग वॉल और अदर स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना, कोई भी चीज़ खड़ी करना, ठीक है, जैसे बिल्डिंग खड़ी करना या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद है फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स का मतलब होता है छोटे छोटे पटाखे, ठीक है। उसके बाद है असेंबल,
असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, टू कम टुगेदर इन ए सिंगल प्लेस और ब्रिंग पार्ट्स टुगेदर इन ए सिंगल ग्रुप, यानी कि इसके कोई छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उन्हें एक साथ करना, उसे कहा जाता है असेंबल करना, ठीक है। और ऐसे ही अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर असेंबल, जैसे कि असेंबली हम कहते हैं कि इकट्ठे होना, ठीक है, जहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं। मास्क, मास्क का मतलब मुखौटा होता है, एक्चुअली ये COVID-19 वाले मास्क नहीं, एक्चुअल में मास्क का मतलब है कि कोई भी मुखौटा, ठीक है, चलिए। उसके बाद है चैरियट, चैरियट का मतलब होता है रथ, एन ओपन व्हीकल विथ टू व्हील्स, जिसके दो तो क्या होते हैं टायर होते हैं और ऊपर से खुला होता है, पुल्ड बाय हॉर्सेस, जिसको किसके द्वारा खींचा जाता है, या तो घोड़ों के द्वारा, यूज इन एंशियंट टाइम्स इन बैटल एंड फॉर रेसिंग, जो कि पुराने टाइम में जो है प्राचीन, एंशियंट का मतलब प्राचीन काल में जो है इनका यूज किया जाता था युद्ध के लिए या फिर दौड़ के लिए, ठीक है, रेस के लिए, चलिए। उसके बाद है सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, ए पर्सन एन ऑब्जेक्ट एन इवेंट एट्सेट्रा दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसे हम प्रतीक कहते हैं, ठीक है, चलिए। उसके बाद है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड का मतलब फूटना, ठीक है, सिंपल सी बात है, विस्फोटित होना, पटाखे एक्सप्लोर हुए थे, ठीक है, तो टू बर्स्ट लाउडली, यानी कि बहुत ज़ोरदार तरीके से फटना, उसे क्या कहते हैं एक्सप्लोड। और जैसे ही रावण के आग लगती है वैसे ही वो बहुत ज़ोर जोर से, कहीं कोई पटाखा बज रहा होता है, कहीं कोई पटाखा बज रहा होता है, सभी दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब एविल, हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन पीपल, यानी कि मॉरली बैड, एविल का मतलब कहते हैं बुराई, यानी कि किसी बुरे आदमी का कोई इफेक्ट होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे एविल, जैसे कि रावण का इफेक्ट था, रावण बुराई का प्रतीक था, ठीक है, चलिए। उसके बाद है एशिस, एशिस का मतलब होता है राख, ऐश का मतलब राख, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, यानी कि किसी चीज़ को जब जलाते हैं तो लास्ट में जो बस जाता है वो क्या है हमारा ऐश है, ठीक है, चलिए। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी पर, एक्टिविटी के अंदर क्या बोला गया है, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड विजयदशमी, यानी कि किस त्यौहार को जो है विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका दीपावली, सेकंड ऑप्शन है होली, थर्ड ऑप्शन है दशहरा और फोर्थ ऑप्शन है राखी, तो आप सिंपल कह देंगे कि दशहरा है, सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद है दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड, विक्ट्री ऑफ एविल, विक्ट्री ऑफ इमोरल, विक्ट्री ऑफ राक्षस, एक्चुअल में किसकी जीत हुई थी, तो आप कह देंगे कि गुड की जीत हुई थी, यानी कि अच्छाई की जीत हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है राइट येस इन द ब्रैकेट इफ़ यू एग्री और नो इफ यू डोंट एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि वो कहते हैं कि अगर आप इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हो, अगर आप इसे एग्री होते हो तो यहाँ पर येस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट है दशहरा कम्स इन कृष्ण पक्ष, दशहरा कृष्ण पक्ष के अंदर आता है क्या, नहीं, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के दशमी को आता है, इसका मतलब ये तो नो जो है इसमें फिल होगा, तो आप कह दोगे नो ये तो गलत बता रहे हैं। सेकंड है रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम, राम की स्टोरी बताता है क्या, तो आप कह दोगे बिल्कुल, तो ये हो जाएगा येस। दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन अश्विन शुक्ल दशमी, तो आप कह दोगे ये भी सही है, अश्विन महीने की जो है शुक्ल पक्ष की दशमी को ये सेलिब्रेट करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखो, वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप एविल, हमें जो है अच्छाई को अपनाना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए, ये सही बात है क्या, तो आप कह दोगे बिल्कुल सही है, इस पर भी आप क्या लगा दोगे येस। और फिफ्थ है हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन, यानी कि हनुमान का जो गेटअप है, जो पहनावा होता है, वो बच्चों को बहुत आकर्षित करता है, तो आप कह दोगे बिल्कुल हमें भी तो आकर्षित करता है, ठीक है, आप बच्चे हो तो आपको आकर्षित करता है, ठीक है। अब जो है कुछ एक क्वेश्चन है हमारे, चार क्वेश्चन है, तो फटाफट से जो है इन्हें कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा, यानी कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन राम की जो है रावण के ऊपर विजय हुई थी, तो आप कह देंगे वी सेलिब्रेट दशहरा इन द ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, यानी कि राम की जीत के सम्मान में जो है हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्या कहता है, व्हाट इज रामलीला, रामलीला क्या होती है, विच सीन्स आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज, और कौन कौन से सीन्स जो है वो अभिनित किए जाते हैं स्टेज पर, यानी कि आपको जो है अभिनय करके दिखाया जाता है, ठीक है, तो आप कह देंगे, यानी कि अभिनय को आप सरल भाषा में देखो तो एक्टिंग, ठीक है, कि किस चीज़ की एक्टिंग करके आपको दिखाई जाती है, ठीक है, ये सरल सा वर्ड आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, चलिए।
तो सिंपल सी बात है, रामलीला क्या होती है? तो रामलीला राम की स्टोरी को बताती है और उसमें कौन कौन से सीन्स आते हैं उनको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि सीन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन आपको तो सारी याद है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा, यानी कि ड्रामा की फॉर्म में, एक नाटक की फॉर्म में हम क्या दिखाते हैं? राम की जिंदगी की स्टोरी दिखाते हैं। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ, यानी कि राम की जिंदगी के बहुत सारे हिस्से जो हैं प्रत्येक दिन, सच एज, कैसे, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि नारदमो, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़कावत, पंचवटी सीन, सीताहरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज, यानी कि इनको जो है अभिनय करके दिखाया जाता है स्टेज के ऊपर, हर एक दिन अलग अलग जो है सीन्स जो है यहाँ पर आपको अभिनीत करके दिखाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं? हाउ डू चिल्ड्रन इन्जॉय ऑन दशहरा, यानी कि चिल्ड्रंस जो है, बच्चे जो है दशहरा को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कैसे वो जो है इसका मजा लेते हैं, इन्जॉय कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप कह देंगे कि अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, कोई बच्चा राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, वो एक दूसरे से लड़ते हैं, कोई राक्षस बन के हा 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 करता है, कोई जय श्री राम करके हनुमान बनता है, तो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से सारे इन्जॉय करते हैं, ठीक है। तो आप कह देंगे चिल्ड्रन इन्जॉय ऑन दशहरा बाई प्लेइंग द रोल्स ऑफ वेरियस करेक्टर्स, यानी कि बहुत सारे पात्रों को, बहुत सारे चरित्रों को, सॉरी पात्र, जो भी पात्र थे उसके जो भी करेक्टर्स थे वो बन जाते हैं, कोई राम, कोई रावण, कोई हनुमान, कोई वानर सेना बन जाती है, ठीक है। प्लेइंग द रोल्स ऑफ वेरियस करेक्टर्स लाइक हनुमान, राम एंड राक्षस, यानी कि अलग अलग करेक्टर्स वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वॉज रावण्स फॉल्ट, रावण का दोष क्या था? तो आप कह देंगे रावण ने क्या कर दिया था, राम और रावण की दुश्मनी किस वजह से हुई थी? क्योंकि रावण ने सीता को किडनैप कर लिया था और लंका में ले गया था। तो आप कह देंगे रावण's फॉल्ट वॉज दैट ही हैड किडनैप्ड राम्स वाइफ एंड टेकन हर टू लंका, कि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो राम की वाइफ को जो है किडनैप उसने कर लिया था और कहाँ पर ले गया था, लंका में ले गया था। तो लीजिए आपका जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था दशहरा वाला चैप्टर, वो कंप्लीट हो गया। तो आपको इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है, आपने दशहरा कैसे सेलिब्रेट किया आपको पूरे तरीके से याद आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जो है याद करने हैं, ठीक है, ठीके? और इसी के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आपको इसकी क्विज भी लगानी है और जो आपकी पीडीएफ मिलती है उसको आपको नोटबुक पर नोट भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।